आदरणीय अभिभावक बंधु सादर वंदे। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से आप सभी लोग सानंद होंगे। हमारा जो विद्यार्थी है, हमारे जो बालक हैं, वह भी इन गर्मी की छुट्टियों में और सानंद से होंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसी परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं। आज मैं आप सबके सामने बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि परीक्षाओं के बाद में हमारा विद्यालय अबाध गति से प्रारंभ हुआ था और नवीन सत्र की कक्षाएं भी लगना प्रारंभ हो गई थी, लेकिन जो वैश्विक महामारी है कोरोना, उसने पूरे विश्व के साथ में ही हमारे यहां पर भी दस्तक दी। हमारे देश के नेतृत्व ने प्रयत्नपूर्वक उसको संभालने की रणनीति तैयार की और पूरा देश उसके साथ में आकर के खड़ा हुआ। लॉकडाउन जो पहला लगा, उसके साथ ही हमारे विद्यालय की जो कक्षाएं हैं वो कक्षाएं भी बंद हो गई और बड़ी सभी दूर बड़े असमंजस की स्थिति बनी। सारा विश्व आज हम देखते हैं कि इससे प्रभावित है, पूरे समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वे आर्थिक हों, सामाजिक हों या व्यक्तिगत हों, सभी व्यवस्थाएं और जीवन पद्धति पे इस संकट का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और हम देखते हैं कि घर से लगा करके और बाहर तक की चाहे हमारी दिनचर्या हुई हो और या फिर सार्वजनिक और सामाजिक व्यवस्थाएं हो, सब प्रभावित हुई हैं और एक नई रचना, एक नई जीवन शैली, एक नई व्यवस्थाएं धीरे धीरे करके और डेवलप हो रही हैं और हम भी उसके अनुसार अपने आप को ढालने का और प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी की ऐसी ही व्यवस्थाएं स्वाभाविक रूप से, क्योंकि हम शिक्षा जगत में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, तो हमारे शैक्षणिक क्षेत्र में भी इसके प्रभाव से हम अछूते नहीं हैं। बहुत गहरा प्रभाव इसका पड़ा है। हम सोशल मीडिया पे और अन्य प्रकार से जब इन विषयों को देखते हैं तो सभी लोग अपने अपने स्तर पर इसका विश्लेषण करते हुए दिखाई देते हैं, अपने अपने दृष्टिकोण रखते हुए दिखाई देते हैं। चाहे शुल्क संबंधी विषय हों,
चाहे शैक्षणिक व्यवस्था संबंधी विषय हों, अलग अलग विचार और अलग अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। लेकिन हम ये बात बहुत अच्छी जानते हैं कि विद्या भारती जो शिक्षा जगत में काम करती है उसका उद्देश्य व्यावसायिक नहीं है, समाज परिवर्तन, व्यक्ति निर्माण, एक संस्कार क्षम्य राष्ट्र खड़ा हो, इन विषयों को लेकर के और पूरे देश भर में संस्थाएं चल रही हैं और उसमें अभिभावक और विद्यालय का जो संबंध है वह भी बहुत अनूठा है, अद्भुत है। समाज के सहयोग से चलने वाली समाज आधारित विद्या भारती की व्यवस्थाओं में अभिभावक, बालक, प्रबंध समिति एवं शिक्षक के जो संबंध हैं वह अद्वितीय हैं और इसके उदाहरण सामान्य तौर पर हमारी प्राचीन गुरुकुल की जो परंपराएं हैं उनको छोड़ करके वर्तमान में कहीं दिखाई नहीं देते। और इसी का यह सुफल है कि गर्मी की छुट्टियों में आपके द्वारा लगातार किया गया जो हमारा सहयोग है और विद्यालय द्वारा भी भैया बहनों के शिक्षण की और उनके शेष कुशलता की चिंता, चाहे उनके ऑनलाइन स्टडी हो या हमारे दीदी आचार्यों द्वारा उनके साथ और आपके साथ किए गए संवाद हो, ये आत्मीय रिश्ता, ये आत्मीय संबंध के कारण इस विषम से विषम परिस्थिति में भी हम पूरी सकारात्मक मानसिकता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। ये उदाहरण अद्वितीय हैं। और आने वाला समय कैसा होगा, हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, तो जो एक दूसरे का विश्वास है, एक दूसरे का जो समर्थन है, उसी के आधार पर हम इस कठिन समय में भी अपने भैया बहनों का यह वर्ष कहीं नुकसान न हो जाए, वह इस प्रतिस्पर्धा के युग में उसका ये एक साल पिछड़ न जाए, क्योंकि एक साल हम जानते हैं कि आप किन कष्टों के साथ में अपने बच्चों को और पढ़ा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो एक साल बहुत महत्वपूर्ण होता है जीवन के संघर्षों की दृष्टि से, बहुत पीछे छूट जाते हैं विद्यार्थी यदि उनका एक वर्ष चाहे पाठ्यक्रम की दृष्टि से, शिक्षण की दृष्टि से, गतिविधियों की दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से या फिर व्यक्ति निर्माण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस नाते से
हमने अपने विद्यार्थियों के लिए बहुत कठिन परिश्रम करके बहुत मेहनत के साथ एक SOP तैयार की है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, विद्यालय संचालन की मानक प्रक्रिया, जिसके माध्यम से विद्यालय किस प्रकार से संचालित होगा। और आप लोगों को भी बहुत जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से होगी कि अपना संस्थान हम कैसे चलाएंगे। तो हमारी टीम ने निचले स्तर तक के सारे विषय पर चर्चा करके और एक SOP तैयार की है, जिसके माध्यम से आपके ध्यान में आए कि विद्यालय अगले वर्ष कैसे चलेगा, इसकी आपको भी जिज्ञासा होगी। हम सबसे पहले विद्यालय का वाहन लेते हैं, विद्यालय वाहन, क्योंकि भैया बहन सबसे पहले वहां से आएंगे, तो विद्यालय वाहन की को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाएगा और सप्ताह में लगभग 2 से 3 दिन विद्यालय वाहन की धुलाई होगी, अच्छे वॉशिंग पाउडर से उसकी साफ सफाई होगी। उसके साथ ही वाहन चालक, कंडक्टर एवं विद्यालय में साथ में आने वाले आचार्य का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य होगा और उसको प्रतिदिन चेक किया जाएगा। विद्यालय में बैठने के पूर्व भैयाओं से भी उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी नियमित रूप से ली जाएगी और उनके हाथों को सैनिटाइज करवा कर ही और उन्हें विद्यालय के वाहन में प्रवेश दिया जाएगा। विद्यालय के मुख्य द्वार पर एक सैनिटाइज टनल लगा रहेगा, जिसमें से निकल करके प्रत्येक भैया बहन जो हैं और आचार्य, वो सैनिटाइज होते हुए विद्यालय के अंदर आएंगे। उसके उपरांत प्रत्येक बच्चे की विद्यालय के मेन गेट पे ही थर्मल स्क्रीनिंग होगी, जिसका रिकॉर्ड नियमित रूप से रखा जाएगा और प्रत्येक बालक के टेम्परेचर का जो रिकॉर्ड है वो प्रतिदिन का रिकॉर्ड विद्यालय में रखा जाएगा और सप्ताह भर में या 15 दिन में, जैसा भी संस्थान तय करेगा, उनके रिकॉर्ड की एक सूचना वो अभिभावकों तक पहुंचेगी कि इस सप्ताह में बालक का कोई तापमान जो माना गया है या आंका गया है, उसकी सूचना आप लोगों तक अनिवार्य रूप से पहुंचेगी, ऐसी व्यवस्था बनाएगी। भैया बहनों को अपने साथ अनिवार्य रूप से टिफिन, उनकी पानी की बॉटल, मास्क, हैंड वॉश की एक छोटी सी शीशी और उसके साथ ही उसकी फेस शील्ड, जिसमें कि फेस पूरा जो है वो ढका रहे, इस नाते से उसको फेस शील्ड लगा करके अनिवार्य रूप से आना है। किसी भी व्यक्ति की विद्यालय परिसर या विद्यालय की कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अभिभावक बंधु, हम बच्चों की सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सतर्क और संवेदनशील हैं, इस नाते से कक्षा कक्ष तक के अभिभावकों का भी प्रवेश जो है वो वर्जित होगा। कार्यालय के काम के लिए आप लोग कार्यालय में आएंगे या आप लोग मिलने के लिए यदि कभी अपने प्राचार्य वगैरह से आएंगे तो उनसे मिल करके बातचीत करके और जा सकेंगे।
एवं अपना शुल्क भी प्रयास ऐसा करेंगे कि ऑनलाइन जमा करें, और ऑफलाइन भी जमा करना है तो उसमें कार्यालय की व्यवस्था इस प्रकार से बनाई जा रही है कि जिससे शुल्क बाहर से ही जमा करके हम जा सकें, जिससे आपका जो बालक है वो कम से कम संक्रमित होने से बच सके। गणवेश की प्रतिदिन पहन करके आने की अनिवार्यता नहीं होगी। बालक सप्ताह में दो दिन, एक दिन विद्यालय का गणवेश सोमवार को और गुरुवार को, जो गुरुवार का गणवेश है सफेद जो गणवेश है उसका, उसे पहन करके आना है। शेष दिनों वह जो है वो सामान्य शुभ्र वेश पहन करके आ सकते हैं, लेकिन इसमें ये ध्यान रखेंगे कि भैया बहनों के लिए पुलास्तीन की शर्ट या कुर्ती हो जिनका वो उपयोग करें। विद्यालय गणवेश भी अनिवार्य रूप से पुलास्तीन का शर्ट होगा, इस बात का हम सभी लोग ध्यान रखें। यदि बालक ईश्वर न करे लेकिन यदि अस्वस्थ है तो आप उसे घर से ही उस दिन ना भेजें, जब वो स्वस्थ हो जाए तो ही उसको घर से भेजना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर जो हमारे अभिभावक हैं, ऐसे जो चिकित्सा या सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था या स्वच्छता विभाग से संबंधित कहीं का कोई काम कर रहे हैं, कहीं अस्पताल में काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी जो जानकारी है वो विद्यालय को पूर्व में देना होगी, जिसके कारण से उन व्यवस्थाओं के विषय में भी गंभीरता के साथ विचार किया जा सके। कक्षा की और परिसर की स्वच्छता पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखा जाएगा। रोजाना प्रत्येक कक्षा कक्ष सैनिटाइज होंगे और परिसर भी लगभग सप्ताह में एक या दो बार सैनिटाइज करेंगे। विद्यालय में एक चिकित्सा कक्ष है हमारे पास, पहले ही एक प्राथमिक चिकित्सा का एक केंद्र है, एक हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टर्स वगैरह रहते ही हैं। कभी कोई आवश्यकता पड़ी तो हम उनकी सेवाओं का उपयोग ले पाएंगे। कक्षा कक्ष में भी भैया बहन को एक डेस्क पर एक बच्चा जो है वो बिठाएंगे, और साथ ही उनके बैठने की जो व्यवस्था है वो भी जिगजैग में होगी। एक कक्ष में सामान्य तौर पर 40 विद्यार्थी बैठते हैं, वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए 50% जो विद्यार्थी हैं वो कक्ष में बैठेंगे, लगभग 20 से 22 विद्यार्थी एक कक्षा कक्ष में रहने वाले हैं। डेस्क पर उनके रोल नंबर अंकित होंगे और उनके बैठने का स्थान निश्चित होगा, उसी रोल नंबर पर वे अपने सुनिश्चित स्थान पर ही बैठ पाएंगे। विद्यालय के छात्र कोई भी सामान, खाने का सामान या अन्य उनकी शिक्षण सामग्री एक दूसरे बच्चों को वो शेयर नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि पेन पेंसिल भी एक दूसरे को नहीं देना है, इसकी अनिवार्यता रहेगी। विद्यालय दो पाली में लगेगा, पहली पाली में और दूसरी पाली में आधे आधे बच्चे प्रत्येक कक्षाओं के बटे हुए रहेंगे,
संपूर्ण कक्षाएं शिशु कक्षाओं से लगा करके और द्वादश तक की कक्षाएं, जिनके आधे बच्चे सुबह पाली में 8 बजे से 12 बजे के बीच में अध्ययन करेंगे और आधे विद्यार्थी दोपहर 12:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में अध्ययन करेंगे। विद्यालय प्रत्येक विद्यार्थी के लिए नियमित रूप से लगेगा और उसके अनुसार विद्यालय की संचालन प्रक्रिया चलेगी। विद्यालय में कोई भी सामूहिक कार्यक्रम नहीं होंगे। नियमित होने वाली जो हमारी प्रार्थना और अन्य प्रकार की बाल सभा और कार्यक्रम हैं, वे सब कक्षा कक्ष के अंदर ही होंगे। इस प्रकार की योजना हमारे कार्यकर्ताओं ने बनाई है। विद्यालय परिसर में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि बालक जो है उस समूह में किसी भी स्थान पर और कहीं भी एकत्रित ना हो। छोटे छोटे अवकाश के समय में भी वो अवकाश इस प्रकार से दिया जाएगा कि बालक किसी भी जगह सामूहिक रूप से एकत्रित ना हो। भोजन विद्यार्थियों का वो कक्षा कक्ष में ही होगा और आचार्य के समक्ष, आचार्य के सामने ही, आचार्य दीदी के सामने वह अपने भोजन वगैरह करेंगे और जूठन वगैरह अपने टिफ़न के अंदर ही लेकर के और अपने कागज़ का जो रुमाल है उससे अपने हाथ साफ करके और उसके बाद अपना पानी वगैरह पीने के बाद पुनः अपनी पढ़ाई प्रारंभ करेंगे। आचार्य दीदियों को भी उसी प्रकार से फेस मास्क, सैनिटाइजर और फेस शील्ड का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना होगा और वे उसी के आधार पर अपनी व्यवस्थाओं को और सुचारू रूप से कर पाएंगे। इस वर्ष जो प्रतिवर्ष हम आपसे संवाद स्थापित करने के लिए प्रतिमाह बालक की जानकारियां आपको आप तक देने के लिए, उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के लिए और जो अभिभावक संपर्क दिवस रखते हैं या पीटीएम रखते हैं, वह पीटीएम या अभिभावक संपर्क इस वर्ष ऑनलाइन होंगे। हम आपसे छोटे छोटे कक्षाशह समूहों के माध्यम से और आपके बालक की के विकास से संबंधित जो जानकारी है वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे, आपसे चर्चा स्थापित करेंगे। और ये सब व्यवस्थाएं हम उसकी सुरक्षा और उनकी व्यवस्थाओं के लिए ही कर रहे हैं, ये हम सब के ध्यान में रहे ये विषय। वार्षिक कैलेंडर का निर्माण करके हमारे जो वार्षिक कार्यक्रम हैं, चाहे वो शारीरिक के कार्यक्रम हों, चाहे बौद्धिक गतिविधियों के कार्यक्रम हैं, व्यक्ति निर्माण के जो कार्यक्रम हैं, वो लगातार उस कैलेंडर के निर्माण के साथ ही चलेंगे। संपूर्ण भैयाओं के लिए एक सिलेबस बनाया जाएगा जिनमें उनकी विशेष कक्षाएं, कक्षा कक्ष में होने वाली गतिविधियां और उनके सामूहिक कार्यक्रम और पाठ्यक्रम उसमें आयोजित होंगे। सिलेबस पूरा कराना यह हमारे लिए चुनौती है। तो ऑनलाइन जो कक्षाएं हैं वो लगभग पूरे वर्ष भर चलेंगी। विद्यालय तो बालक प्रतिदिन आएगा, पर उसके अलावा उसके सिलेबस को और उसके लिए व्यवस्थित हो जाए, तैयार हो जाए,
उसको उसकी मदद मिले, इस नाते से ऑनलाइन कक्षाओं का प्रसारण लगातार साल भर चलता रहेगा। बाल सभा के विषय मध्य प्रदेश, भारत का सांस्कृतिक मानचित्र एवं भारत का गौरवशाली इतिहास, इन विषयों को केंद्रित रखते हुए छोटे छोटे समूहों में, कक्षा कक्ष में ही और बच्चों की बाल सभाएं आयोजित की जाएंगी। शिक्षकों के प्रशिक्षण और भैया बहनों का प्रशिक्षण, जिनके माध्यम से वे इन गतिविधियों में शामिल हो सकें और इस SOP के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके, इसके लिए उनके प्रारंभिक प्रशिक्षण रखे जाएंगे। खेलों का संचालन भी अनिवार्य है और उस नाते से खेलकूद की जो गतिविधियां हैं वो आयोजित की जाएंगी और बच्चों को इस प्रकार की खेलकूद की गतिविधियों में शामिल किया जाएगा जिनमें वो फिजिकल, उनका डिस्टेंस जो है वो बना रहे, कोई संघर्ष के खेल उनको नहीं खिलाएंगे और साथ ही एथलेटिक्स है और विद्यालय में चलने वाले रोप स्कीपिंग है और अन्य प्रकार के जितने भी खेल हैं उन खेल गतिविधियों में उनको शामिल किया जाएगा। योग प्रतिदिन अनिवार्य होगा, बच्चों को उनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, जिससे कि ये जो बीमारी है उनसे वे संघर्ष कर सकें, उस नाते से योग और प्राणायाम वो प्रतिदिन हमारे समय चक्र में शामिल किया गया है। उसके माध्यम से आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार इत्यादि के माध्यम से बच्चों की शारीरिक क्षमताओं का विकास किया जाएगा। इन सब व्यवस्थाओं के अतिरिक्त आपसे और भी सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे और प्रयास ये किया जाएगा कि किस प्रकार से हम इस कठिन समय में और एक अच्छी व्यवस्था बना करके, उसे तैयार करके और हमारी शिक्षण की जो गतिविधियां हैं वो आबाद रख सकें, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। क्योंकि एक साल की यदि निरंतरता कैसे भी खत्म होती है पढ़ाई की, क्योंकि हम शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं इसलिए अच्छे से जानते हैं कि बालक को दोबारा उस व्यवस्था में लाना बड़ा कठिन हो जाता है। इस नाते से विद्यार्थी की शिक्षण में निरंतरता बनी रहे और विद्यालयीन व्यवस्थाओं में अत्यधिक सुरक्षा और सतर्कता बनी रहे, इसमें आप सब लोगों का समर्थन, आपका विश्वास और आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बेहद अनिवार्य है। इस मेरे वक्तव्य के बाद आप एक सप्ताह में अपने कक्षा आचार्यों को व्हाट्सएप के माध्यम से आपके अमूल्य सुझाव भेज सकते हैं। उन सुझावों को शामिल करते हुए आपके संस्था के जो प्राचार्य हैं वे एक समाधान कार्यक्रम लेकर के
आपसे 15 दिन बाद पुनः बातचीत करेंगे, उसकी सूचना भी आपको अनिवार्य रूप से मिलेगी। वर्तमान में चलने वाली विभिन्न नकारात्मक और भ्रामक विचार पर आप न जाएं, अपने विद्यार्थी के भविष्य का और इस प्रतिस्पर्धा के समय का ध्यान रखते हुए हमें आपका सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।